In the greatest name of Almighty Allah, Wis Rahman and Rahim. Welcome back to Dr. Nazim's lectures. In this lecture, we will talk about the properties of the infectious agents. And this is a second lecture from the infant infectious diseases. So let's start the lecture. My dears, like we have in the previous lecture that infectious disease और इन्फेक्शस डिजीज कौन कौन कास करवा रहा है? तो का बैक्टीरिया तो हो, हो, हो सकती हैं या फंजाय हो सकता है लेकिन जब भी हम उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो सबसे पहले पहले हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है जिसको हम नाम देते हैं इनफेक्टिवटी तो पहली प्रॉपर्टी का नाम क्या है इनफेक्टिविटी तो इनफेक्टिविटी बेसिकली है क्या इट इज एबिलिटी टू एंटर एंड मल्टीप्लाई द बॉडी ऑफ दैट इज नोन एज द इन तो इनफेक्टिविटी क्या है इट इज एबिलिटी ऑफ द पैथोजन टू एंटर प्लस टू एंटर प्लस मल्टीप्लाई इन टू द बॉडी ऑफ हॉस दैट इज नोन एज वॉट

के पोटेंशियल पोटेंशियल टू काज डिजीज ओके तो पैथोजेंटी क्या है इट्स अ पोटेंशियल ऑफ द पैथोजन टू काज एनी काइंड ऑफ अ डिजीज उसको हम क्या कहते है? हैं कहते हैं अंडरस्टैंड ओके अब हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं वायुलेंस अगर हम वायुलेन्स को भी सिंपल बताना चाहे कि वायोलेंट्स हैं क्या तो आप बोल सकते हैं कि हाउ मच डेमेज पैथोजन कैन केन मैं यहां पे लिखूं हाउ मच डैमेज कैन और कैन कास बाय पैथोजन बाय व्हाट बाय पैथोजन ओके अगर हम बात करते हैं वायुलेंस की तो वायलें क्या है बॉडी ऑफ द की बॉडी के अंदर pathogen कितना damage कर सकता है उसको हम क्या कहते है? कहते हैं हैं अगर हम बात करते हैं चौथी प्रॉपर्टी की जो हमारे पास है टॉक्सिसिटी तो टॉक्सिसिटी बेसिकली क्या है इट इज एबिलिटी ऑफ द पैथोजन To produce the toxic reactions into the body of the host. So toxicity, it is the ability of the pathogen to produce the toxic reactions or the poisoning reactions into the body of the host. That is known as what? That is known as the toxicity. Understand? Or toxicity. Number five, we have the invasiveness. So, what is the invasiveness basically? It is the ability to penetrate and spread throughout the tissue. That is known as what? That is known as the invasiveness. It is the ability to penetrate and spread throughout the tissue. It is ability to penetrate and spread throughout tissues. Okay? तो आपकी इनवेसिवनेस बेसिकली क्या है इट इज एबिलिटी टू पेनिट्रेट एंड स्प्रेड थ्रू आउट द टिश्यू दैट इज नोन एज व्हाट दैट इज नोन एज द इनवेसिवनेस अंडरस्टैंड अब हमारे पास आ जाती है दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं क्या छठी प्रॉपर्टी जिसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली इसको हम बोलते हैं एंटीजेनिसिटी तो एंटीजेनिसिटी बेसिकली क्या होती है इट इज एबिलिटी टू स्टमुलेट द अम्यूनोलॉजिकल रेस्पोंसिज इन दॉडी ऑफ द हॉस्ट एंटीजेंटी क्या है बेसिकली इट इज द एबिलिटी टू स्टमुलेट इस्टुमुलेट दम्यूनोलॉजिकल स्ट्यूमुलेट दम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्के तो एंटीजेंसिटी बेसिकली क्या है इट इज एबिलिटी टू स्ट्यूमलेट दम्योलॉजिकल रेस्पॉन्स

पोटेंशियल ऑफ दी पैथोजन टू काज एनी काइंड ऑफ डिजीज तो पैथोजन क्या है ये पोटेंशियल है पैथोजन का डिजीज काज करवाना ठीक है और वायरलेंस बेसिकली क्या है कि पैथोजन होस्ट की बॉडी को कितना डैमेज कर रहा है तो उसको हम क्या करते हैं उसको हम बोलते हैं वायरलेंस तो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है उसके अलावा मैं आपको थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दूंगा वायरुलेंस की वायरलेंस के फैक्टर्स भी बताऊंगा और उसके अलावा जो है ना हम बात करेंगे पैथोजिन के एग्जाम्पल्स लेट सपोज हमारे पास एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सीडोमोनास एरुजिनोजा हमारे पास क्या है एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सीडोमोनास एरुजिनोजा अब इस बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंट पोटेंशियल्स हैं मतलब के पैथोजिन वाली इसके अंदर प्रॉपर्टी है जिसकी बुनियाद पे ये क्या कह रहा है डिफरेंट डिफरेंट डिजीज काज कर पाता है लेकिन अगर हम बात करते हैं सीडोमोनास एरूजा की तो इट कैन का ब्लेडर कैथेटर इन्फेक्शन काज दैटर रिलेटेड इंफेक्शन काज दमोनियान काज दाइटिस Also it can cause the implant associated infections. Also it can cause the skin burn infections. Also it can cause the urinary tract infections. ठीक है? तो ये क्या है? इसके अंदर potential हैं कि ये ये different different disease cause करवा सकता हैं। तो ये हैं हमारे पास example pathogen. अब उसके बाद हम बात करते हैं virulence की। तो basically virulence क्या हैं? वायरलेंस जो मैंने आपको पहले ही डेफिनेशन बताई कि हाउ मच डेमेज पैथोजन कैन कॉज ठीक है मैं यहां पे फिर से लिख लेता हूं हाउ मच डेमेज पैथोजन कैन कॉज ओके

ठीक है, रिमेंबर अटैचमेंट निभा और वाली नहीं, अटैचमेंट हम किसकी पढ़ रहे हैं? हैं की, की। हमारी के के साथ, अब okay. अब हम बात करते हैं, colonization की. अब से हमें पता चल रहा है कि colonization मतलब कि farming colonies. तो इस colonization में क्या होता है? Basically, pathogens जो है ना बिगिंस टू रिप्रोड्यूस मैं यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में लिखूं कि इस फेस में क्या होता है कि रिप्रोडक्शन होती है लेकिन रिप्रोडक्शन पे होगी एट द साइट ऑफ एडहीजन ये याद रखना एट साइट ऑफ एडहीजन ठीक है जहां पे अटैचमेंट हुई है उस जगह पे क्या होगी वहां पे उस जगह पे ये कॉलोनाइज कॉलोनाइजेशन वाला प्रोसेस करेंगे मतलब कि अपनी कॉलोनीज बनाएंगे रिप्रोडक्शन करेंगे अंडरस्टैंड उसके बाद हम थर्ड बात करते हैं पेनिट्रेशन की तो पेनिट्रेशन बेसिकली क्या है द माइक्रोजम टू इंटार्ज इन टू दिल्स आर द लीक्योसाइड आर द लिम्फोसाइट्स ठीक है तो पेनिट्रेशन से हमें पता चला है कि कोई चीज पेनिट्रेट हो रही है तो किस चीज के अंदर पेनिट्रेट हो रही है आपके जो है ना एपिथेलियल सेल्स के अंदर हो रही है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं के अंदर हो रही है या आपके में हो रही है या आपके जो है ना के अंदर पेनिट्रेशन हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कहते हैं। को आपको है। उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर पे आता है इनवर्जन तो इनवर्जन बेसिकली क्या है गेटिंग थ्रू द मेम्ब्रेन आर द कनेक्टिव टिश्यू बैरियर्स गेटिंग थ्रू द म्यूकस टिश्यूज बैरियर्स अंडरलाइन टिश्यू इन द अंडरलाइन टिश्यूज ठीक है अंडरलाइन टिश्यूज में जाए किसके थ्रू म्यूकस मेंब्रेन के थ्रू या आपके कनेक्टिव टिश्यूज से गुजरते हुए आपके अंडरलाइन टिश्यूज में जाए तो उसको हम क्या कहते हैं इन्वर्जन कहते हैं तो अगर आप, मैं आपको यहां पे एग्जांपल दूं तो ये क्या है न्यूरामाइडेस न्यूरा ठीक है तो ये इसका एग्जांपल है होप के आपने जो है ना प्रॉपर्टीज ऑफ एजेंट्स में जो डिफरेंस था का का और का हमने अभी जान लिया I hope के आपको भी आता होगा अभी। okay? अगर हम बढ़ते हैं और प्रॉपर्टीज की बात करें मैंने आपको पहले जो है ना टॉक्सिसिटी बताई या टिटी बताई तो ये बेसिकली सेम ही है लेकिन हम अलग से पढ़ते हैं टॉक्सोजिन ठीक है तो टॉक्सोजिन बेसिकली क्या है

एक्जोटॉक्सेंस uh, और एंटोटॉक्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है और उनके डिफरेंट डिफरेंस एग्जाम्पल्स क्या हैं लेकिन अभी मैं जस्ट आपको बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ एक्जोटॉक्सेंस कौन कौन से होते हैं लेट सपोज हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोटॉक्सिन्स तो वो क्या है आपका एग्जोटॉक्सेंस का एग्जाम्पल है उसके अलावा हीमोलाइसिन है उसके अलावा एंटीरोक्सेंस हैं उसके अलावा जो ना, है ना डरमोनेक्रोटिक टॉक्जेंस हैं उसके अलावा साइटोटॉक्सिन्स हैं और उसके अलावा जो है ना मेम्ब्रेन टॉक्सिन्स हैं तो ये डिफरेंट टॉक्सिन्स हैं जो पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर रिलीज करते हैं और एक इनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है